हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर आर्ट सेशन। आई एम भरत पटेल, योर आर्ट टीचर फ्रॉम कंट्री साइड स्कूल। आज हम सीखने वाले हैं स्नोस्केप। तो आज मैं एक फोटोग्राफ का रेफरेंस लेकर आपको स्नोस्केप सिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद जो स्काई का एरिया है, जैसे कि लैंड के ऊपर का हिस्सा जिसमें हम प्लेन वाटर से वॉश करेंगे, बाद में इसके ऊपर यानी कि पेपर गीला हो तभी आपको इसके ऊपर कोबाल्ट ब्लू प्लस अल्ट्रामरीन ब्लू का वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको गीले पेपर पे ट्री को दिखाना है। तो ऑकर येलो, ब्लू, ऑरेंज, ये सब कलर को एक दूसरे के साथ मिलाकर ग्रीन टोन बनाना है और लगा देना है। मगर एक बात ध्यान में रखना है कि आपको कलर में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ठीक है। कम टाइम में डेमो कंप्लीट करना है तो मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट करके रखा है, ड्रॉ करके रखा है। सबने देखा होगा स्नोस्केप, लाइव नहीं देखा होगा तो फोटो में तो देखा ही होगा। लैंडस्केप के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि सीस्केप हो सकता है, नाइटस्केप हो सकता है, स्ट्रीटस्केप हो सकता है, वगैरह वगैरह। अभी ये लैंड में हम अल्ट्रामरीन ब्लू और कोबाल्ट ब्लू दो कलर लेंगे। अगर इसमें अल्ट्रामरीन ब्लू कलर हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि अल्ट्रामरीन ब्लू कलर में थोड़ा स्नो का फीलिंग्स आएगा, तो अल्ट्रामरीन थोड़ा ज़्यादा लेंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करके लेंगे। भी जितना भी शेडो वाला पार्ट है उसमें हम ये कलर को अप्लाई करेंगे। देखो अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कहाँ कहाँ पे ये कलर दिया है, ठीक है। और जो पर्सन जो जगह पे लाइट है उस जगह पर उस जगह पे हम ब्लैंक रहने देंगे, वहाँ पे कलर नहीं लेंगे। ये हो गया। तो जिसने प्रैक्टिस की होगी उसके लिए ये सब आसान रहेगा, मगर जिसने प्रैक्टिस नहीं की है तो उसके लिए थोड़ा टफ रहेगा।
और उसमें मैंने रेड कलर, चेरी रेड ले सकते हो आप, चेरी रेड, ऑरेंज और अपर येलो। अभी ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे चेरी और ऑरेंज लिया है। पोस्टर कलर को आप ज़्यादा पानी डाल के आप ट्रांसपेरेंट इफेक्ट दे सकते हो, तो पोस्टर कलर भी चलेगा। जैसे नीचे का पार्ट है, ये दूसरा हाउस है, इसमें ऑफर येलो थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो कोई एक कलर से कंप्लीट नहीं करना है, अगर आप दूसरे कलर ऐड करेंगे तो थोड़ा ड्रामा जैसा लगेगा। अब सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी ये ट्री हम बनाएंगे। ट्री का कलर डार्क होता है, तो सबसे लास्ट में जो भी डार्क कलर है वो लास्ट में लेना है। वाटर कलर की जो मेथड है उसमें हमें सबसे पहले लाइट कलर पूरे लैंडस्केप में ढूंढना है। अगर लाइट कलर हमें सबसे पहले लेना है, उसके बाद मिडल टोन आएगा, तो कौन सा कलर मिडल टोन में रहता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, इसके बाद डार्क टोन। तो तीन स्टेप में लैंडस्केप कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहता है। बाकी जितने कलर के ऊपर कलर हम डालते जाएंगे तो वाटर कलर की जो ट्रांसपेरेंसी रहती है वो चली जाएगी। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो वाटर कलर ऑपेक जैसा हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी ये ट्री के लिए मैंने जो कलर बनाया है वो ये तीन चार कलर जितने मेरे पैलेट में कलर पड़े हैं उसी में से मैंने ये सब कलर बना के मैंने किया है। तो अल्ट्रामरीन ब्लू और ब्राउन कलर दोनों मिक्स करके बनाओगे तो ऐसा ग्रे स्टोन आपको मिलेगा। तो ये कलर मैंने दिया है, आप थोड़ा ऐड करके थोड़ा चेंज होता है तो आप दूसरे भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो कलर किया है वही आपको भी करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो पूरे हाउस में पहले मैंने ये अभी जो मैंने कलर बोले वो पूरे हाउस में मैंने ले लिया है। अभी इसके बाद ये कलर जब सूख जाएंगे इसके बाद यही कलर का डार्क टोन बनाकर, जैसे कि चेरी कलर ज़्यादा लेना है थोड़ा ब्राउन कलर ऐड कर सकते हो अगर करना है तो। अभी ये कलर लेकर हम जो साइड की वॉल है जहाँ पे शेडो वाला पार्ट है, जैसे कि रूफ का शेडो है, ये छोटे हाउस का शेडो है, अभी ये बड़े हाउस का शेडो बड़े पार्ट में है, वहाँ पे हम उसको पूरा अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाउस के ऊपर भी एक छोटा सा चिमनी है उसमें भी हम लेंगे ये कलर। ये हो जाने के बाद
थोड़ा ग्रास जैसा इफेक्ट देना है। तो ट्री क्या है, आजू बाजू आप देखोगे तो आप वहाँ पे ऑकर येलो ब्राउन ऐसा थोड़ा टोन बना के, जो स्नो में ग्रास होता है तो ऐसा कुछ बना सकते हो। इसके लीफ जो होते हैं ट्री के, वहाँ पे भी इसके जैसा थोड़ा कलर आप ड्राई ब्रश से आप कर सकते हो। ड्राई ब्रश का मतलब क्या होता है कि कलर जब आप लेते हो तो उसमें पानी ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट कलर को ब्रश में लेना है और जो पेपर का टेक्सचर रहता है आप उसके ऊपर ब्रश को हल्के हाथ से लगाओगे तो कलर जहाँ पे टेक्सचर रहता है वहाँ पे कलर लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा आपको टेक्सचर मिलेगा तो लिप जैसा इफेक्ट मिलेगा आपको, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर कलर करते वक्त आप जहाँ पे वाइट स्पेस छोड़ना भूल गए हैं, आपकी वाइट स्पेस डाउन हो गई है, तो आप डायरेक्ट वाइट कलर लेके कलर के ऊपर वाइट कलर कर सकते हो। हो सके तो ऐसा कम करो तो अच्छा है। अगर गलती से कलर चला गया तो आप वाइट इफेक्ट जहाँ पे देना चाहते हैं स्नो का, वहाँ पे आप डायरेक्ट वाइट कलर बटर में से लेकर आप कर सकते हो। अभी ये कंप्लीट होने वाला है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये सब कैसे बनाया है, कैसे किया है, ठीक है। लेकर आप अपने हिसाब से अपना पेंटिंग बना सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने जो बनाया वही बनाना है। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ नया सीखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करो। बाय बाय।